फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बैट सॉल्यूशन 1 क्वेश्चन था। कितने बुलियन फंक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं? तीन वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली एबीसी लिखा है, थ्री वेरिएबल्स की बात है। सो आंसर तो इसका 60 है, जैसा कि मैक्सिमम लोगों ने बताया या लगभग सभी लोगों ने बताया, लेकिन मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स देख के ऐसा लगा कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कुछ स्टूडेंट्स को मिसिंग है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा लिखना चाह रहे थे आपके सॉल्यूशन में, कमेंट में, कि ये आपका सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है, इसीलिए इसका आंसर 16 है, क्योंकि तीन वेरिएबल के लिए 16 सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ ड्यूअल फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट सेल्फ ड्यूअल, तो सेल्फ ड्यूअल में यहां पे आपके जो फंक्शन है वो होता है a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपका सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है। लेकिन मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया था जो कि सेल्फ ड्यूअल फंक्शन आपका नहीं है, हालांकि दोनों में जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी सेम है और तीन वेरिएबल के लिए फंक्शन भी 16 है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दो अलग अलग फंक्शन है। सेल्फ ड्यूअल जो कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे वो एक्चुअली ये डेफिनेशन होती है, बट मेरा क्वेश्चन आपका ये था। सो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ लोगों ने सेल्फ ड्यूअल से रिलेट किया, तो जैसे सेल्फ ड्यूअल का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल होता है तीन वेरिएबल का, जो कि मैक्सिमम सभी लोग यूज करते हैं उसको समझाने के लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अगर मैं इसके ड्यूअल की बात करूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए, या अगर मैं फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट लिखूं, मतलब तीनों फंक्शन को इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, ये सेल्फ ड्यूअल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा इसमें खुद से कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये दोनों आपको एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट दिखेंगे। जैसे इसमें अगर आप शॉर्टकट से मिन टर्म्स अगर आप निकालना चाहोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी देखिए, ए बी मीन्स वन वन, ये आपका डोंट केयर हो गया, बी सी है सो डोंट केयर वन वन, और ए सी है सो वन डोंट केयर वन, तो ये आपका निकलेगा वन वन जीरो विल बी सिक्स और सेवन, और ये निकलेगा आपका थ्री और सेवन, और ये निकलेगा आपका फाइव और सेवन। सो इसके मिन टर्म्स आ गए थ्री फाइव सिक्स सेवन। बट अगर मैं इसके मिन टर्म्स की बात करूंगा, इसके मिन टर्म्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो गया जीरो जीरो डोंट केयर, दिस इज डोंट केयर जीरो जीरो, और ये हो गया जीरो डोंट केयर जीरो। सो इसके मिन टर्म्स आपके आ गए जीरो कॉमा वन, इसके आ गए फोर कॉमा जीरो, और इसके आ गए जीरो कॉमा टू। सो ये आपका आ गया जीरो वन टू एंड फोर, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। मतलब सेल्फ ड्यूअल फंक्शन में ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो अगर आप उसको गलत समझ रहे थे तो प्लीज अब से आप उसको करेक्ट कर लीजिए एटलीस्ट। बाकी जो है इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसके लिए अगर हम यहां पे डिस्कशन करें तो वो डिस्कशन कुछ ऐसा होगा कि यहां पे एक टेबल में आपको फॉर्म करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब जैसे तीन वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी, और इनके आप कह सकते हैं कि एट कॉम्बिनेशन है, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। अब मैं अगर 16 फंक्शन की बात करूं, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स एफ सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन 14, 15 और 16। सो इसको अगर मैं जस्ट यहां दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ये जो आपका फंक्शन है, जो इसके पहले चार बिट होंगे, इसको आप इसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं,
क्योंकि ये 4 बिट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज है, 16 16 कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है. ये पहला कॉम्बिनेशन, ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन, एंड सो ऑन. 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. ठीक है. अब यहां पे आपको क्या करना है, इनमें से आप सभी बिट्स को कॉपी कर लीजिए मिरर इमेज के फॉर्म में. ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है, इसको आप कंसिडर कीजिए कि ये मिरर है, और इस मिरर में आपको जैसे इमेज दिखेगी आप वैसे इमेज यहां पे ड्रॉ कीजिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसकी इमेज आपको दिखेगी 0000, इसकी इमेज आपको दिखेगी 1000, इसकी इमेज दिखेगी 0100, इसकी इमेज दिखेगी 00, जस्ट सेकेंड, हाँ, इसकी इमेज दिखेगी 1100, 0010, 1010, 0110, 1110, 0001, 1001. जस्ट आप इसका मिरर इमेज यहां पे ड्रॉ कर लीजिए. जस्ट आपका मिरर इमेज आप यहां पे ड्रॉ कर लीजिए. ये आपका मिरर इमेज एग्जैक्टली है, और आप ये देखेंगे कि ये जो आपके 16 फंक्शन है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. एग्जाम्पल भी मैं आपको लेके दिखा रहा हूं. जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं लेता हूं F9. ठीक है, F9. सो F9 जो है, F9, सो F9 देखिए कितने मिन टर्म्स है, एक और ये दो, और ये कौन से हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी. तो F9 ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट कॉमा सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी सी प्लस ए कॉम, सॉरी ए बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, सेम हो गया दोनों. सो F9 आपका एक ऐसा फंक्शन है जो कि ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट कॉमा सी कॉम्प्लीमेंट है. फिर नेक्स्ट, जैसे अगर मुझे और चेक करना है तो जैसे F13, सो F13 ए कॉमा बी कॉमा सी. F13 में देखिए कितने हैं, एक दो तीन और ये चार. सो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी. और यहां पे अगर आप F13 में ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट कॉमा सी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हुआ ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट. सो आप ये चेक कर लीजिए कि ये दोनों फंक्शन आपके एग्जैक्टली सेम है. तो F13 भी ये दोनों इक्वल है, F9 भी ये दोनों इक्वल था. कोई भी आप चेक कर सकते हैं. लेट्स से F15 की मैं अगर बात करूं तो F15 ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू कितने मिन टर्म्स है, सिक्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी. और अगर मैं F15 में ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट कॉमा सी कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो ये हो गया ए बी सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट. तो ये F15 में भी दोनों इक्वल हो गए. ऐसे आप सारे फंक्शंस के लिए चेक कर लीजिए. ये 16 फंक्शन ऐसे हैं जो कि इस को फॉलो करेंगे, फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट कॉमा सी कॉम्प्लीमेंट.
और कुछ लोग न्यूट्रल फंक्शन या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात भी कर रहे थे, तो न्यूट्रल जो है ऑब्वियसली ये फंक्शन न्यूट्रल नहीं है, ये सारे फंक्शंस आपके न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ मिड टर्म शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स। अब जैसे मैंने F9 का एग्जाम्पल लिया, तो इसमें दो मिड टर्म है और छह मैक्स टर्म है, तो दोनों इक्वल नहीं है। F13 में चार मिड टर्म हो गए, तो एक फंक्शन ऐसा है जो कि आपके न्यूट्रल है, लेकिन इन जनरल सारे फंक्शंस न्यूट्रल नहीं है। जैसे देखिए F15 में कितने मिन टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 मिन टर्म्स हैं और सिर्फ दो ही मैक्स टर्म्स हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन ये मैंने दिया था, ये आपका सेल्फ डुअल फंक्शन नहीं है, ये आपका सेल्फ डुअल फंक्शन नहीं है। अब अगर मैं थोड़ा सा सेल्फ डुअल फाइंड करने के पैटर्न में और इसको फाइंड करने के पैटर्न में भी थोड़ा सा डिस्कस करा लेता हूं, बट उसके पहले देखिए कि इसमें 16 फंक्शंस ही क्यों मिले। देखो तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशन। हमने क्या किया, हाफ में डिवाइड किया, मतलब चार कॉम्बिनेशन की बात की। चार कॉम्बिनेशन मतलब आउटपुट कितने बिट का, 4 बिट का। ये 4 बिट के 16 कॉम्बिनेशन मैंने लिख दिए। अब ये कॉम्बिनेशन अगर फिक्स जाए, इसके नीचे वाला पार्ट भी क्या है, फिक्स जाए, क्या बनाना है आपको, मिरर इमेज बनाना है। क्योंकि अब देखिए यहां पे पैटर्न क्या हुआ, क्योंकि तीन यहां पे देखिए, क्योंकि तीन बिट थे तो कितने कॉम्बिनेशन हुए, 8 कॉम्बिनेशन। ये 8 कॉम्बिनेशन में हमने कितने कॉम्बिनेशन को चूज किया, हाफ, मतलब मैंने चूज किया 4 कॉम्बिनेशन को। और 4 कॉम्बिनेशन के कितने आउटपुट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 16, मतलब 2 टू द पावर 4 फंक्शंस, 2 टू द पावर 4 फंक्शंस। मतलब अगर मेरे एन वेरिएबल्स हैं, तो एन वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस कितने हुए, 2 टू द पावर ऑफ n, 2 टू द पावर ऑफ n कॉम्बिनेशंस हुए। मैं कितने कॉम्बिनेशन को चूज कर रहा हूं, एग्जैक्टली हाफ, तो मैं चूज कर रहा हूं 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 टू द पावर ऑफ n-1, हाफ कॉम्बिनेशन को मैं चूज कर रहा हूं। अब ये जो हाफ कॉम्बिनेशन है, इसमें कितने फंक्शन हो सकते हैं, 2 के पावर में, क्योंकि हर एक आउटपुट बिट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो यहां से आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 2 के पावर में, ये मतलब 2 के पावर में n-1। सो ये आपका फंक्शन है, आप यहां पे n को 3 पुट करेंगे तो ये आपको 16 मिलेगा। सो ये फॉर्मूला कैसे बना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे। n वेरिएबल होगा तो यहां पे 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन, उसमें से हाफ को चूज करोगे तो 2 टू द पावर n-1। अब ये हाफ में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 के पावर, मतलब 2 का पावर, ये 2 का पावर this 1। सो ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है एन के टर्म्स में। ओके अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा इस टेबल को मैंने कैसे फिल किया और सेल्फ डुअल में टेबल कैसे फिल होता है, वो मैं थोड़ा सा यहां पे आपके लिए डिस्कस करता हूं कि उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ टू फिल द टेबल। या कोई फंक्शन आपको दिया हो तो आप उसको चेक करते बने कि वो फंक्शन इनमें से कौन सा फंक्शन है, क्या वो सेल्फ डुअल है या वो इस इक्वेशन को फॉलो करने वाला फंक्शन है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे कि मैं दो अलग अलग बना लेता हूं, ये आपका हुआ सेल्फ डुअल और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट कॉमा सी कॉम्प्लीमेंट। तो सेल्फ डुअल कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता है, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका होल कॉम्प्लीमेंट, फंक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको टेबल कैसे फिल करते हैं, देखिए ये ए बी सी और ये आपका फंक्शन। सो ये टेबल आपका 8 कॉम्बिनेशन होगा, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 और एग्जैक्टली मैं यहां पे भी फिल कर लेता हूं ए बी सी और फंक्शन एफ, तो यहां पे भी आपके लिए हो गए 8 कॉम्बिनेशन।
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. So, यहां पे अब देखिए डिफरेंस क्या हुआ. मैं जो फंक्शन बना रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन लिख लिया 0101, तो मुझे क्या करना है, इसको एज इट इज कॉपी कर देना है. ये मिरर इमेज बनाना है, मतलब ये आपको क्या कर लेना है, डायरेक्टली कॉपी. इसको मैं बोल रहा हूं मिरर इमेज. तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1 और ये भी हो गया आपका 0. तो ये मैंने आपको बता दिया. ये किसके लिए होता है, जो क्वेश्चन मैंने दिया था. सेल्फ ड्यूअल में क्या होता है, सेल्फ ड्यूअल में होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 0101 मैंने लिखा 0101. इसमें आप क्या कीजिए, इन्वर्टर लगा के नीचे को फिल कीजिए लाइक दिस. इसमें आप इन्वर्टर लगा के ऐसे फिल कीजिए, इसमें आप इन्वर्टर लगा के ऐसे फिल कीजिए. अब देखो 1 इन्वर्टर का आउटपुट 0, 0 इन्वर्टर का आउटपुट 1, 1 इन्वर्टर का आउटपुट 0, 0 इन्वर्टर का आउटपुट 1. ये फंक्शन डेफिनेटली सेल्फ ड्यूअल फंक्शन होगा. तो सेल्फ ड्यूअल फंक्शन में यहां पे आप इन्वर्टर कनेक्ट करते हैं, लेकिन सेल्फ ड्यूअल फंक्शन में एक लिमिटेशन और आ जाता है. सेल्फ ड्यूअल फंक्शन में आपका फंक्शन न्यूट्रल होना चाहिए. न्यूट्रल होने का मतलब है कि आपके नंबर ऑफ मिन टर्म्स, आपके नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स से क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपके कितने मिन टर्म्स और कितने मैक्स टर्म्स हैं, देखिए 2 मिन टर्म है और ये 2, 2 और 2 कितने हो गए आपके 4, तो इसमें 4 मिन टर्म्स हो गए और मैक्स टर्म्स भी कितने हो गए, ये आपके 4 मैक्स टर्म्स हो गए. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्फ ड्यूअल में एक और एग्जाम्पल लिखना है, लेट्स से 0001, ये एक और फंक्शन है F1, एक न्यू फंक्शन. तो इसमें अगर मैं ये इन्वर्टर्स लगाऊंगा तो देखो 1 का आउटपुट कितना आ गया 0, 0 का आउटपुट 1, 0 का आउटपुट 1, 0 का आउटपुट 1. तो ये इन्वर्टर से क्या हो रहा है, आप ये देखने की यहां पे ये रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि अगर मैंने यहां पे 1 मिन टर्म लिए थे तो नीचे ऑटोमेटिक आपके 3 मिन टर्म आएंगे, तो ये आपके हमेशा 4 मिन टर्म और 4 मैक्स टर्म्स होंगे. ये क्योंकि आपने इन्वर्टर के थ्रू वैसा इसको कनेक्ट किया है. देखिए ये इन्वर्टर क्या है, बेसिकली हमारा याद रखने का मेथड है और कुछ भी नहीं है, कि इस पैटर्न में आप याद रखने की कोशिश कीजिए उसको. ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट है कि न्यूट्रल फंक्शन है. देखिए सेल्फ ड्यूअल में दो वर्ड, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स में भी देखा एकदम सही लिखा है उन्होंने, दो वर्ड उन्होंने यूज किए हैं, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो देखिए न्यूट्रल का मतलब पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं. न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ मिन टर्म्स आपके किस क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स होने चाहिए, जो कि इसके कारण हमेशा होंगे. आप कोई भी 4 बिट आप यहां पे स्टार्ट कीजिए, आप चारों को इंडिविजुअली इन्वर्ट कीजिए, आप नोटिस कीजिए हमेशा आपके 4 मिन टर्म और 4 मैक्स टर्म मिलेंगे. जैसे मान लो अगर मैं एक F2 फंक्शन लेता हूं और अगर मैं चारों को 0 ले लिया, चारों को मैंने 0 ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन और मैं लेता हूं लेट से F3, मान लीजिए 111 मैंने 0 लिया, 0 को इन्वर्ट 1 और ये तीनों 1 का इन्वर्ट कितना हो गया 0. तो इस प्रॉपर्टी के कारण हमेशा आप देखिए, हमेशा आप यहां पे नोटिस करेंगे कि आपके जितने मिन टर्म्स होंगे आपके उतने मैक्स टर्म्स होंगे ऑलवेज. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब देखते हैं यहां पे क्या. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म क्या होते हैं, जैसे ए बी कॉम्प्लीमेंट सी है, तो इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट. मतलब अगेन देखिए कि इंडिविजुअली आपने सभी को किससे पास किया, इन्वर्टर से पास किया, आपने सभी टर्म्स को इन्वर्टर से पास किया. जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट. जैसे देखो
यहां पे ये कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म है आप अगर चेक करोगे तो ये देखिए, ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म है, और सेम ऐसे ही ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म है, और सेम ऐसे ही ये दोनों भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और सेम ये दोनों भी आपस में आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म है। तो क्योंकि आपने इन्वर्टर लगा दिया तो कभी भी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब देखो, जैसे मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था ये वाला, इसके लिए यहां पे टेबल में 16 फंक्शन बनाए थे ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेल्फ ड्यूअल के लिए भी मैं आपको 16 फंक्शन यहां पे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। मैं आपको 16 फंक्शंस भी यहां पे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं, बहुत ही स्पीड में करने की कोशिश कर रहा हूं। ए बी सी और एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन और नेक्स्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं इसको, 14, 15 और 16। अब देखो, आठ कॉम्बिनेशन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगेन क्या करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ये अगेन मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ये इसको याद रखने का तरीका बस मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो, इसमें 4 बिट का आउटपुट है, कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 16 कॉम्बिनेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब मैं अगर ये इन्वर्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, अब आप देखिए क्या होगा, ये चारों के चारों आपके वन आ जाएंगे। ये इन्वर्टर मतलब ये 0 हो गया और ये तीनों 1, ये 1 हो गया 0 1 1। इन्वर्टर से पास करते जाइए 0 0 1 1। पिछले क्वेश्चन में या पिछले डिस्कशन में मैंने एज इट इज कॉपी कराया था, अब मैं उसको इन्वर्ट करके कॉपी कर रहा हूं। इन्वर्ट कीजिए, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 and like this। ये जस्ट इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, ये होगा 0 1 0 0 और 1 0 0 0 0 0 0 0। तो इस प्रॉपर्टी के कारण क्या हुआ, सारे फंक्शन में आप देख लो कि 4 मिन टर्म 4 मैक्स टर्म होंगे, मतलब सेल्फ ड्यूअल फंक्शन हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल। और क्योंकि इन्वर्टर कनेक्टेड है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म कभी भी साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर ये टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म 100% प्रेजेंट होगा। अगर ये टर्म आपका प्रेजेंट है, अगर ये टर्म आपका प्रेजेंट है, तो इसका ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस पैटर्न को फॉलो करता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और सेल्फ ड्यूअल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, फंक्शन न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मिन टर्म्स और नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स सेम होने चाहिए। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था, मैंने उसका भी आपको 16 फंक्शन बताया, इसके भी मैंने आपको 16 फंक्शन बताया, बट वो दोनों फंक्शन आपके सेम नहीं है। और इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, 3 बिट 3 वेरिएबल 8 कॉम्बिनेशन, आधे को चूज कीजिए, 4 बिट के 16 कॉम्बिनेशन, तो ये 16 फंक्शन आपके पॉसिबल है। तो सेल्फ ड्यूअल में भी 2 टू द पावर 2 टू द पावर n-1 होता है, नंबर ऑफ फंक्शन सेम है लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।